हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका ICT चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 6 चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर्स को। ये वीडियो चैप्टर 1 की थर्ड वीडियो है। इससे पहले मैं दो वीडियो ऑलरेडी चैप्टर 1 पर बना चुका हूँ, जिसपे मैंने चैप्टर को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपने वो दोनों वीडियोज अभी तक नहीं देखी है तो पहले आप वो वीडियोज देखें और उसके बाद आप इस वीडियो से क्वेश्चन आंसर्स को समझ सकते हैं और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, दोनों ही वीडियोस का लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और इसके अलावा आपको वीडियो के ऊपर आई बटन में भी दोनों वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। ऑलराइट, तो यह है आपका चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है ग्राफिक्स एंड एनिमेशन। और यह है आपकी एक्सरसाइज जिसमें पहला क्वेश्चन है कि सलोनी को कॉलम ए में दिए गए विषय से संबंधित चित्र कॉलम बी में लगाना था, लेकिन कुछ भ्रम की वजह से उससे कॉलम ए से संबंधित चित्र कॉलम बी में गलत लग गए हैं। उसकी सहायता करिए ताकि वो कॉलम ए दिए गए विषय को कॉलम बी में दिए गए सही चित्रों से मिला सके। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर एक सलोनी एक स्टूडेंट है जिसको कॉलम ए कॉलम बी में जो नाम और जो पिक्चर्स थी उनको मैच करना था, लेकिन उसने गलती से पिक्चर्स जो है वो नाम के हिसाब से ऊपर नीचे कर दिया है। अब हमें उन पिक्चर्स को मिलाना है जिससे कि उसकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। तो यहाँ पर हमारे पास दो कॉलम दिए गए हैं जिसमें पहला है कॉलम ए और दूसरा है कॉलम बी, जिसमें कि कॉलम ए में नाम दिए गए हैं और कॉलम बी में चित्र दिए गए हैं, जिसमें आपका पहला है डेस्कटॉप। ठीक है बच्चों, तो डेस्कटॉप मैंने आपको बताया हुआ है। डेस्कटॉप क्या होता है? वो कंप्यूटर जिसको हम डेस्क के ऊपर रखकर यूज करते हैं उसको बोलते हैं डेस्कटॉप। तो ये रहा आपका डेस्कटॉप और हम डेस्कटॉप को उसके पिक्चर के साथ यहाँ पर मैच कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है लैपटॉप। ठीक है, लैपटॉप आप लोग जानते ही हैं, जिसको हम अपने लैप पर रखकर यूज करते हैं उसको बोलते हैं लैपटॉप। ये रहा आपका लैपटॉप और इसको भी हम इसकी पिक्चर के साथ मैच कर देंगे। उसके बाद अगला है पेन ड्राइव, जो कि क्या है, एक हार्डवेयर है। ठीक है, अब हार्डवेयर के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। हार्डवेयर क्या होता है? जिसको हम देख सकते हैं और छूकर महसूस कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? हार्डवेयर। और पेन ड्राइव आप सब जानते हैं, जिसमें हम डाटा स्टोर करते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? पेन ड्राइव बोलते हैं। और पेन ड्राइव आप देख पा रहे हैं, ये रही पेन ड्राइव, और इसको हम इससे मैच कर देंगे। उसके बाद है पाम टॉप। ठीक है, पाम टॉप भी मैंने बताया हुआ आपको। पाम टॉप क्या होता है? वो कंप्यूटर जिसको हम अपने पाम पर रखकर यूज कर सकते हैं उनको क्या बोलते हैं? पाम टॉप। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या क्या है? एक तो मोबाइल है और दूसरा टैबलेट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये रहा टैबलेट, तो हम इसको टैबलेट से मैच कर देंगे। उसके बाद है विंडोज, जो कि क्या है? एक सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट आपका क्या बचा है? ये आपकी विंडो बची हुई है, तो इसको इससे मैच कर देंगे विंडोज को। ठीक है, इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन है बहुविकल्प प्रश्न। बहुविकल्प प्रश्न को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें आप पहले एक क्वेश्चन दिया होता है, उसके नीचे चार आपको ऑप्शन दिया होता है जिसमें से आपको सही को टिक करना होता है, जिसमें पहला है आपका हम अपने मित्रों से संपर्क निम्नलिखित किस प्रकार कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि अपने मित्रों से हम किस किस प्रकार से संपर्क कर सकते हैं। तो जिसमें पहला आपका ऑप्शन है ईमेल, तो ईमेल द्वारा आप अपने फ्रेंड से कांटेक्ट कर सकते हैं, उसको ईमेल करके पूछ सकते हैं कि भाई क्या चल रहा है, ठीक है, उसकी हेल्थ कैसी है। जैसे मेल उसको मिलेगा उसके बाद आपका फ्रेंड उसका रिप्लाई करेगा, तो ये एक बातचीत हो गई। उसके बाद सेकंड है चैटिंग, चैटिंग तो आप लोग सब करते ही है। उसके बाद सी है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है? जिसमें हम वीडियो कॉल द्वारा अपने फ्रेंड के साथ वन टू वन इंटरेक्शन कर सकते हैं, उससे बातचीत कर सकते हैं। तो ये जो तीनों तरीके हैं, तीनों से ही हम अपने मित्र से संपर्क कर सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे चूज किया ऑप्शन डी, जिसमें आपका तीनों लिखा हुआ है, तीनों उपाय ए बी सी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद नेक्स्ट है सेकंड कीबोर्ड उदाहरण है। ठीक है, अब यहाँ पे बताना है कि कीबोर्ड किस चीज का उदाहरण है। तो जैसे कि आपको पता है कीबोर्ड से आप क्या करते हैं? कीबोर्ड से आप टाइप करते हैं। ठीक है, जैसे आप टाइप करते हैं वो आपको कहाँ पे दिखाई देता है? वो आपको अपने मॉनिटर पे दिखाई देता है। मतलब कि क्या हो रहा है, आप कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो उसी हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा बी, इनपुट यूनिट। ठीक है, उसके बाद थर्ड है आउटपुट यूनिट का उदाहरण है। ठीक है, जैसे कि इनपुट क्या होता है? जिसमें हम इंस्ट्रक्शन देते हैं। आउटपुट का ऑपोजिट होता है जिससे कि हमें कुछ मिलता है। ठीक है, जैसे कि आपका प्रिंटर हो गया, एग्जांपल के लिए प्रिंटर क्या देता है? हमें प्रिंट करके पेज देता है, तो हमें कुछ आउटपुट दे रहा है। ठीक है, ऐसे डिवाइसेस को क्या बोलते हैं? आउटपुट। तो देखते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो पहले नंबर पे हमें दिया हुआ है प्रिंटर, प्रिंटर तो ऑटोमेटिकली हो गया आपका आउटपुट। उसके बाद बी है मॉनिटर, ऑब्वियसली मॉनिटर में हमें डिस्प्ले दिखाई देता है, तो ये भी एक आउटपुट डिवाइस हो गई। उसके बाद सी माउस, माउस आपका आउटपुट नहीं होता, माउस के द्वारा हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, फाइल को ओपन करो, फोल्डर को ओपन करो। ठीक है, तो माउस जो है आपका आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो यहाँ पर आपका ए और बी क्या है? आउटपुट डिवाइस है। तो उसी के आधार पर मैंने यहाँ पर डी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया है, जिसमें लिखा हो ए बी दोनों। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद है फोर्थ, कंप्यूटर का दिमाग किसको कह सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी चैप्टर बताया हुआ है, कंप्यूटर का दिमाग किसको कहा जाता है? कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है सीपीयू को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीपीयू। उसके बाद है फिफ्थ, कुछ प्रसिद्ध ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम्स के नाम है। मतलब यहाँ पर हमें बताना है ऑप्शन में देख के भाई ये
ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम है या नहीं। तो पहला है आपका मॉनिटर। मॉनिटर क्या होता है? हार्डवेयर होता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है। तो मॉनिटर बिल्कुल नहीं हो सकता। उसके बाद है विंडोज। तो विंडोज आपको पता ही है कि आप जो कंप्यूटर में यूज करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, वो मोस्टली क्या होता है? विंडोज होता है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर विंडोज। इसके साथ ही सी, लिनक्स। लिनक्स भी एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो बी भी सही है और सी भी सही है, इसलिए हमने ऑप्शन डी को सिलेक्ट किया है जो है बी सी दोनों। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन है रिक्त स्थान भरो, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें पहला है आपका आईसीटी का डैश होता है। तो बेसिकली हमें यहाँ बताना है कि आईसीटी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो यहाँ पर मैंने आंसर में दिया हुआ है आईसीटी की फुल फॉर्म क्या होती है, इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो आप इसको यहाँ पर फिल कर लेंगे। उसके बाद सेकंड है सेव ऑप्शन डैश मेन्यू में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बताना है कि जब पेंट में आप काम करते हैं तो आपने कोई ड्रॉइंग बना ली, उसके बाद आपको ये सेव करना है। तो सेव करने के लिए आप कहाँ पे जाएंगे, किस मेन्यू ऑप्शन पे जाएंगे, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो सेव करने के लिए हम जाएंगे आंसर में देखते हैं फाइल पर। ठीक है, तो फाइल पर आप जाएंगे। फाइल पर जैसे आप क्लिक करेंगे, फाइल आपका क्या होता है, फाइल आपका लेफ्ट हैंड साइड पे टॉप में होता है। ठीक है, तो वहां पर आप जैसे क्लिक करेंगे वहां पर आपको सेव ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे फाइल। उसके बाद थर्ड है डैश में सूचना अस्थायी रूप से संग्रह होती है। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि कंप्यूटर में जो आप डाटा स्टोर करते हो वो दो तरह से स्टोर होता है, एक होता है टेम्परेरी तरह से और एक होता है परमानेंट तरह से। उसके बाद तो अस्थायी क्या है, अस्थायी है आपका टेम्परेरी। तो टेम्परेरी डाटा कहां स्टोर होता है, देखते हैं आंसर में, ये स्टोर होता है प्राइमरी स्टोरेज यूनिट में, जिसको अस्थायी संग्रह भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे प्राइमरी स्टोरेज यूनिट। उसके बाद फोर्थ है आपका माई पेंट में विभिन्न प्रकार के ब्रश डैश एवं डैश वर्गों में उपलब्ध होते हैं। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि माईपेंट में कौन कौन से ब्रश अवेलेबल होते हैं। तो मैंने आपको चैप्टर में ऑलरेडी बताया हुआ है कि यहाँ पर हमें दो तरह के ब्रश अवेलेबल होते हैं, पहला होता है क्लासिक और दूसरा होता है एक्सपेरिमेंटल। तो ये जो दोनों ब्रश के नाम है वो हम यहाँ पर फिल कर लेंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमारा है नेक्स्ट ट्रू फॉल्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं सही गलत। ठीक है, तो जो भी सही स्टेटमेंट होगी उसके आगे हम सही लगा देंगे और जो भी गलत होगी उसके आगे हम गलत लगा देंगे। जिसमें पहला है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है। बिल्कुल, कंप्यूटर जो है क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रू। ठीक है, उसके बाद बी कंप्यूटर की मदद से ऑफिस में सूचना का संग्रह और प्रस्तुतिकरण किया जा सकता है। ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। कैसे सही हो जाएगा बच्चों, अगर कंप्यूटर नहीं होगा तो आप उसके अंदर एमएस ऑफिस कैसे डालेंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कैसे डालेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ही आपका पावर पॉइंट होता है, तो जिसका इस्तेमाल करके हम सूचना का संग्रह और प्रस्तुतिकरण करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा ट्रू। उसके बाद सी है लैपटॉप आकार में डेस्कटॉप से बड़ा होता है। तो लैपटॉप आपको पता ही है, जिसको आप अपने लैप पर रखकर यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, लैपटॉप बोलते हैं। तो बेसिकली जो लैपटॉप होता है वो डेस्कटॉप से छोटा होता है। तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। उसके बाद है डी आईसीटी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में मददगार नहीं है। मैंने आपको चैप्टर बताया हुआ है कि आईसीटी तो हमारे रोजमर्रा की जो जिंदगी होती है उसमें काफी ज्यादा यूजफुल होता है। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी फॉल्स। ठीक है, उसके बाद ई हार्डवेयर को हम देखकर और छूकर महसूस कर सकते हैं। बिल्कुल, हम हार्डवेयर को देखकर छूकर महसूस कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट आपके जो फिफ्थ है वो है लघु उत्तरीय प्रश्न, जो होते हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। तो इसमें टोटल हमारे पास कितने क्वेश्चंस दिए हुए हैं, टोटल हमारे पास 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो चलिए हम इनको एक एक करके देख लेते हैं। जिसमें पहला है आपका कंप्यूटर की परिभाषा दे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आंसर डाल दिया कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो सूचना को स्टोर संग्रहित करके उसके मैनिपुलेशन जोड़ तोड़ में हमारी मदद करता है एवं हमारे द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार विभिन्न प्रकार के काम कर सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। जिसमें कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, जिसके अंदर हम सूचना को स्टोर कर सकते हैं और उसको मैनिपुलेशन कर सकते हैं या जोड़ तोड़ कर सकते हैं। ठीक है, इसको जैसे हम आदेश देते हैं उसी अनुसार कंप्यूटर जो है वो काम करता है। तो ये हो जाएगी कंप्यूटर की परिभाषा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हमारे दैनिक जीवन के कोई 4 क्षेत्र बताइए जहां पर कंप्यूटर का उपयोग बहुतायत से होता है। ठीक है, तो यहां पे हमें बताना है कि कंप्यूटर हमारे डेली जो रूटीन है, डेली जो लाइफ है, उस पे कंप्यूटर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। तो ऐसे हमें 4 क्षेत्र यहाँ पे बताने हैं। तो देखते हैं आंसर। यहाँ लिखा है कि हमारे दैनिक जीवन के 4 क्षेत्र जहाँ पर कंप्यूटर का उपयोग बहुतायत से होता है, जिसमें पहला है आपका आंकड़ों का जोड़ तोड़, डाटा मैनिपुलेशन प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज। ठीक है, तो कंप्यूटर का आपको पता ही है कि भाई उसपे कंप्यूटर में हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं और उसको जोड़ तोड़ कर सकते हैं। तो इस कार्य के लिए हम कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है शिक्षा के क्षेत्र में प्रभावकारी और मनोरंजक
व्यवस्थित तरीके से ज्ञान प्राप्त करना, ठीक है। तो इसको हम शिक्षा के क्षेत्र में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें हम प्रभावकारी तरीके से और मनोरंजक तरीके से ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड है, हॉस्पिटल में बीमारियों का पता लगाने में और मरीजों का इलाज करने में, ठीक है। तो कंप्यूटर का इस्तेमाल हॉस्पिटल में भी होता है, जहाँ पे हम बीमारियों का पता लगा सकते हैं आसानी से कंप्यूटर का इस्तेमाल करके, और जब बीमारी एक बार पता चल जाए तो मरीजों का इलाज भी कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद फोर्थ है, ऑफिस में सूचना का स्टोरेज, संग्रह और प्रेजेंटेशन या प्रस्तुतिकरण, ठीक है, हम ऑफिस में यूज करते हैं, जहाँ पे कोई भी कंपनी अपना डाटा स्टोर कर सकते और प्रेजेंटेशन के लिए भी उस डाटा को हम इस्तेमाल कर सकते हैं कंप्यूटर का यूज करके, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आकार के आधार पर कंप्यूटर कितने तरह के हो सकते हैं, नाम बताएं, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे पूछा है कि आकार मतलब शेप के हिसाब से कंप्यूटर कितने तरह के हो सकते हैं। तो देखते हैं इसका आंसर कि आकार के आधार पर कंप्यूटर तीन तरह के हो सकते हैं, जिसमें पहला है आपका डेस्कटॉप, सेकंड हो गया लैपटॉप और थर्ड हो गया पाम टॉप, ठीक है। तो ये हो जाएंगे हमारे तीन कंप्यूटर आकार के आधार पर। चौथा है आपका क्वेश्चन जिसमें लिखा है ऑपरेटिंग सिस्टम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, तो इसमें हमें बताना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो देखते हैं इसका आंसर, यहाँ लिखा है ऑपरेटिंग सिस्टम यह है उपयोगकर्ता, मतलब कि उपयोगकर्ता कौन होता है, यूजर मतलब आप और हम, और कंप्यूटर के बीच की कड़ी है, मतलब ये क्या है, हमारे और कंप्यूटर के बीच की कड़ी है, उसका लिंक है जो यूजर से आदेश लेकर कंप्यूटर तक पहुंचाती है और कंप्यूटर के उत्तर को यूजर तक पहुंचाती है। यह प्रोग्राम का समूह है जो कंप्यूटर के बुनियादी संचालन के लिए आवश्यक होता है। यह सबसे पहले शुरू होकर दूसरे प्रोग्राम्स को क्रियाशील होने के लिए सुयोग्य माहौल बनाता है, ठीक है बच्चों। तो एक लाइन तो मैंने आपको बता दिया पहले कि ये क्या होता है, हमारे और कंप्यूटर के बीच का लिंक होता है ना। अगर ये होगा ही नहीं तो हम कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन हो गया या आदेश हम दे ही नहीं पाएंगे, ठीक है। ये क्या करता है कि हमसे आदेश लेकर कंप्यूटर तक पहुंचाएगा। अब हम इसको क्या आदेश दे सकते हैं, जैसे कि हम कंप्यूटर के बोलते हैं बस 2+2 करके दिखा, ठीक है। तो ये चीज कंप्यूटर तक कौन पहुंचाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद कंप्यूटर तक ये बात पहुंच गई और कंप्यूटर ने 2+2 कर दिया, इक्वल टू आ गया 4, ठीक है। अब 4 आ गया, ये चीज हम तक कौन पहुंचाएगा, ये भी हम तक कौन पहुंचाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। और इसके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर का जो भी संचालन होता है, मतलब कंप्यूटर काम तभी कर पाएगा जब ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, ठीक है। और जब भी हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो पहला प्रोग्राम जो स्टार्ट होता है या पहला सॉफ्टवेयर जो स्टार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। और जब एक बार ये स्टार्ट हो जाएगा तभी हम दूसरे सॉफ्टवेयर जैसे कि पेंट हो गया या हमारा एमएस वर्ड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, ये सारे प्रोग्राम हम यूज कर पाते हैं, ठीक है। तो ये है परिभाषा ऑपरेटिंग सिस्टम की। जो क्वेश्चन नंबर 5 है, आईसीटी की संक्षिप्त व्याख्या करिए, तो यहाँ पे हमें आईसीटी के बारे में बताना है। तो देख लेते हैं आंसर। तो यहाँ लिखा है आईसीटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये है आईसीटी के फुल फॉर्म, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद आईसीटी अनेक सूचना और संपर्क तकनीकियों का समागम है जिसकी मदद से विभिन्न सूचनाओं को एक बेहतर और प्रभावकारी तरीके से खोजकर प्रस्तुत किया जा सकता है। तो आईसीटी क्या है, आईसीटी एक कॉम्बिनेशन है संपर्क तकनीकियों का और साथ में सूचनाओं का, ठीक है, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम सूचनाओं को और भी बेहतर और प्रभावी तरीके से खोजकर प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 5th का आंसर। फिर नेक्स्ट है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो होते हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, जिसके अंदर हमें यहाँ पर 4 क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। तो चलिए इनको भी हम एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं, जिसमें पहला है आपका कंप्यूटर की कार्य प्रणाली को ब्लॉक चित्र से समझाएं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक कंप्यूटर की जो कार्य प्रणाली है उसको समझाना है एक ब्लॉक चित्र के माध्यम से, जिसमें यहाँ पे देखते हैं इसका आंसर। ये लिखा है कि हम कंप्यूटर की कार्य प्रणाली को इस ब्लॉक डायग्राम से भी समझ सकते हैं, जिसमें आपका पहला है डाटा इनपुट, उसके बाद प्रोसेसिंग और तीसरा है आउटपुट, ठीक है। तो ये डाटा इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, तो चलिए इनको हम एक एक करके देख लेते हैं, जिसमें पहला हमारा इनपुट यूनिट। तो यहाँ लिखा है कि इस भाग से कंप्यूटर में डाटा एंट्री और आदेश दिया जा सकता है, जैसे कीबोर्ड, माउस आदि, ठीक है। तो डाटा इनपुट हम कैसे करते हैं, डाटा इनपुट हम करते हैं इनपुट यूनिट का इस्तेमाल करके, ठीक है। और इस भाग से कंप्यूटर में हम डाटा एंट्री कर सकते हैं, उसके साथ ही हम कंप्यूटर को कोई भी आदेश दे सकते हैं, इसके एग्जांपल कीबोर्ड हो गया और माउस हो गया। उसके बाद सेकंड है आउटपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट देखते हैं क्या होता है। तो ये लिखा है कि प्रोसेस्ड डाटा आउटपुट यूनिट पर ही दिखाई देता है, जैसे कि मॉनिटर और प्रिंटर इत्यादि। जब कंप्यूटर में डाटा एंट्री हो जाती है, ठीक है, उसके बाद वो डाटा प्रोसेस हो जाता है, वो डाटा आउटपुट यूनिट पर कैसे दिखाई देगा, वो दिखाई देगा मॉनिटर और प्रिंटर जैसे आउटपुट यूनिट का इस्तेमाल करके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है सीपीयू, जिसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इस भाग को कंप्यूटर
का दिमाग कहा जाता है। जिस तरह से हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग हमारा दिमाग है, जो हमारे शरीर के सारे निर्णय लेता है, उसी तरह से कंप्यूटर के सारे निर्णय कौन लेता है? सीपीयू लेता है। ठीक है, तो सीपीयू क्या होता है? सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। जैसे हमारी जो बॉडी होती है बच्चों, उसके अंदर सारे निर्णय कौन लेता है? वो लेता है आपका दिमाग। आप दिमाग से सोचते हो, उसके बाद ही कुछ निर्णय लेते हो। उसी प्रकार से कंप्यूटर को जब कोई निर्णय लेना होता है, वो किस चीज का इस्तेमाल करता है? वो इस्तेमाल करता है सीपीयू का। ठीक है, तो कंप्यूटर अपने सारे निर्णय कहाँ से लेता है? सीपीयू से लेता है। ये था आपका ब्लॉक डायग्राम और ये था उसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भेद बताएं। तो यहाँ पर आपको टोटल 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, जिसमें पहला है हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, मतलब कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या क्या अंतर है, क्या क्या डिफरेंस है, वो हमें यहाँ पर बताना है। जिसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, हार्डवेयर। तो यहाँ लिखा है कि भौतिक एवं वास्तविक उपकरण जिनको हम देखकर और छूकर महसूस कर सकते हैं, उनको हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो रियल और जो फिजिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, ठीक है, या डिवाइसेस होती हैं, जिनको हम देख भी सकते हैं और जिनको हम टच भी कर सकते हैं, छू भी सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं? हार्डवेयर बोलते हैं। अब उदाहरण ले लेते हैं इसका, जैसे कि मॉनिटर। मॉनिटर आपको पता है, मॉनिटर को हम टच कर सकते हैं, बिल्कुल। उसके बाद माउस को हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कीबोर्ड को भी हम टच कर सकते हैं, हार्ड डिस्क को हम टच कर सकते हैं, इसी तरह से सीडी, पेन ड्राइव, ये यहाँ पर एग्जांपल दिए गए हैं। इसके अलावा लैपटॉप भी एक हार्डवेयर है, मोबाइल भी एक हार्डवेयर, और फोन और टैबलेट भी हार्डवेयर है, क्योंकि इनको हम देख सकते हैं, ये रियल या वास्तविक उपकरण होते हैं, और इनको हम छू कर भी महसूस कर सकते हैं, इसलिए ये सब क्या है? हार्डवेयर है। उसके बाद है सॉफ्टवेयर। तो यहाँ लिखा है ऐसे प्रोग्राम का समूह जो संचार उपकरण को क्रियाशील बनाते हैं, उनको सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर कहा जाए कि प्रोग्राम का समूह होता है जो हमारे जितने भी उपकरण होते हैं उनको चलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं कि हमारा कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो आपके कंप्यूटर को चला पाएंगे? बिल्कुल नहीं चला पाएंगे। इसी प्रकार से आपके मोबाइल है, ठीक है, आपके मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एंड्रॉइड होता है। अगर एंड्रॉइड आपके मोबाइल में नहीं होगा तो क्या आप मोबाइल चला पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं चला पाएंगे। उसका कैमरा आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हार्डवेयर को इस्तेमाल करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है? सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे लिखी गई है। अब देखते हैं इसका एग्जांपल। जैसे कि हमारा एग्जांपल हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या आता है? विंडोज आ जाता है, लिनक्स आ जाता है। इसके अलावा अगर हमें पेंटिंग करना है तो हमें पेंटिंग सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी। अगर हमें ऑफिस वर्क करना है तो हमें ऑफिस सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी। हमें गेम खेलना है तो हमें गेमिंग सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी। हमें फोटो को एडिट करना है तो हमें फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से जो भी कार्य हमें करना है उसके सॉफ्टवेयर अगर आपके पास होगा आप तभी वो कार्य अपने कंप्यूटर में कर पाएंगे। इसलिए जितनी हमें हार्डवेयर की जरूरत है उतनी ही हमें हार्डवेयर को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर की भी जरूरत है। ठीक है बच्चों, उसके बाद देख लेते हैं सेकंड का सेकंड, जिसमें हमें डिफरेंस बताना है फाइल्स और फोल्डर में। तो देख लेते हैं इसका आंसर। यहाँ पे लिखा है फाइल्स। तो किसी भी विषय से संबंधित सारी सूचना या डाटा को एक जगह पर संग्रहित किया जा सकता है, जिसको फाइल कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों जब एक तरह की सूचना होती है या एक तरह का जो डाटा होता है, जब हम इसको एक जगह पर रख देते हैं तो उसको क्या कहते हैं? फाइल्स कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है फोल्डर। तो फोल्डर में देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ लिखा है कि एक विषय की सारी फाइल्स को एक जगह पर बेहतर सुरक्षा और बेहतर प्रबंध की वजह से संग्रहित किया जा सकता है, जिसको फोल्डर्स कहते हैं। अब हमने पहले फाइल में क्या किया था? एक तरह की डाटा और एक तरह की सूचना को एक जगह पर संग्रहित कर लिया, और जिसको हम क्या बोलेंगे? फाइल बोलेंगे। अब उन फाइल्स को जब हम किसी फोल्डर में रख देंगे, अब फोल्डर क्या करेगा बच्चों? फोल्डर में हम एक तरह की फाइल्स को जब एक जगह पर बेहतर सुरक्षा और बेहतर प्रबंधन की वजह से संग्रहित कर देते हैं, उसको क्या कहा जाता है? उसको फोल्डर कहते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद थर्ड है आपका प्राइमरी स्टोरेज यूनिट और सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट। ठीक है, तो हमें इसमें डिफरेंस बताना है प्राइमरी स्टोरेज यूनिट में और सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट में। तो देख लेते हैं आंसर कि प्राइमरी स्टोरेज यूनिट, जिसको हम अस्थायी संग्रह भी बोलते हैं। तो यहाँ लिखा है कि कंप्यूटर में सूचना पहले अस्थायी रूप से संग्रह होती है, जिसको बाद में जरूरत के अनुसार हम स्थायी बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि कंप्यूटर में जो सूचना होती है पहले वो टेम्परेरी, मतलब पहले वो अस्थायी रूप से संग्रह होती है। ठीक है, उसके बाद अगर हमें उसकी जरूरत है तो हम उसे स्थायी भी बना सकते हैं। और आपकी जो प्राइमरी स्टोरेज यूनिट होती है वो दो तरह की होती है, जिसमें पहला है आपका रैम, जिसकी फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और सेकंड है रोम, जिसकी फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद है सेकंड, जो है सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट, जिसको हम स्थायी संग्रह भी कहते हैं। लिखा है कि यहाँ पर सूचना स्थायी रूप से संग्रह होता है, जैसे हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, ईटीसी। ठीक है, तो ये जो स्टोरेज यूनिट है, यहाँ पर आपकी जो सूचना है वो स्थायी रूप से, मतलब वो परमानेंट रूप से स्टोर होती है। ठीक है, और इसके एग्जांपल यहाँ दिए गए हैं हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव। ठीक है,
तो ये रहा हमारा डिफरेंस प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट में। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पे लिखा है कि नीचे दिए गए माय पेंट की स्क्रीन के कंपोनेंट्स के नाम लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये स्क्रीन दी गई है, इसमें जो भी यहाँ पे एरो लगा हुआ है उसके यहाँ पे नाम लिखने थे, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो आप सेम इसको अपनी कॉपी में बना लेंगे, जिसमें आपका पहला ये एरो लगा हुआ है, तो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आपकी फाइल का टाइटल आता है, तो ये होता है आपका टाइटल बार। ठीक है, उसके बाद ये आप देख पा रहे हैं ये क्या है, हमारे सारे मेन्यूज है, तो ये हो जाएगा मेन्यू बार। उसके बाद ये जो सारे हैं ये क्या है, सारे टूल्स हैं, तो इसका नाम हो जाएगा टूल बार। उसके बाद ये वाले जो पार्ट है जहां पे हम अपनी ड्राइंग बनाते हैं माई पेंट के अंदर, ठीक है, इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं कैनवास। उसके बाद यहाँ पे ये सारे आप देख पा रहे हैं, ये आपको पता ही है ये सब क्या है, ब्रशेस। उसके बाद ये पार्ट भी आपको पता है, इसको क्या बोलते हैं, कलर पैलेट बोलते हैं, जहां से हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कलर चूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको इसी प्रकार से ये ड्रॉ करके और इनके नाम को लिख लेना है। ठीक है बच्चों, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, माय पेंट में ड्राइंग करने के मूलभूत स्टेप्स को लिखें। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये बताना है कि आप कैसे कैसे और किस प्रकार से स्टेप्स को फॉलो करके ड्राइंग बना सकते हैं। तो देखते हैं आंसर, ये माय पेंट में ड्राइंग करने के मूलभूत स्टेप्स, जिसमें पहला स्टेप है ब्रश सेक्शन से मनचाहा ब्रश चुनने के लिए ब्रश के ऊपर माउस पॉइंटर लाकर बाएं बटन को दबाएं। ठीक है, जिसमें पहले स्टेप में आपको क्या करना है, आपको जो ब्रश सेक्शन है उस पर जाना है, ठीक है, और अपना फेवरेट जो भी आपको ब्रश लग रहा है कि ये ब्रश चाहिए मेरी पेंटिंग के लिए, आपको वो चूज करना है। आप चूज करने के लिए माउस का जो लेफ्ट बटन है उसको क्लिक करके उस पर्टिकुलर ब्रश को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सेकेंड स्टेप में रंगों के सेक्शन से मनचाहा रंग चुनने के लिए रंग के ऊपर माउस पॉइंटर लाकर बाएं बटन को दबाएं। ठीक है, अब आप ब्रश तो चूज कर लिया है, अब आपको चूज करना है कलर कि आपको किस कलर को इस्तेमाल करना है पेंट करने के लिए। तो इसके लिए आपको कलर पैलेट पे जाना है, आपको जो भी कलर सही लग रहा है उसको आपको चूज करना है। वो चूज करने के लिए आप क्या करेंगे, माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे तो आपका वो पर्टिकुलर कलर जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद थर्ड स्टेप, अब कैनवास के ऊपर मनचाही जगह पर माउस पॉइंटर लाकर उसके बाएं बटन को दबाए रखकर मनचाही दिशा में खींचकर माउस के बटन को छोड़ दें, मनचाही रेखा खिंच चुकी होगी। उसके बाद क्या करना है आपको, सिंपल जो आपका कैनवास वाला जो पार्ट होता है उस पे जाना है माउस पॉइंटर को लेकर, और आपका जो लेफ्ट बटन है उसको आपको दबा के रखना है, आपको उसको क्लिक्ड रखना है, और ऐसे आप क्लिक्ड रखेंगे और धीरे धीरे माउस को आप खींचेंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपकी जो मनचाही लाइन है इस तरह की वहां पर खींच जाएगी, और इसी प्रकार से आप माउस का लेफ्ट बटन क्लिक्ड रख के कोई भी शेप जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों यही थे हमारे चैप्टर वन के क्वेश्चन आंसर्स। ये क्वेश्चन आंसर्स आप अपनी कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लें, और आपके जितने भी क्लासमेट्स और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको इस वीडियो के बारे में जरूर बताएं, और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, जिससे जैसे ही मैं चैप्टर टू की वीडियोज को डालूं उसका नोटिफिकेशन और उसका मैसेज आपको मिल जाए। ठीक है बच्चों, मैं मिलता हूं आपको चैप्टर टू के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे।